जज भी इंसान होते हैं और जजों में भी आम इंसानों की तरह सारी कमियां हो सकती हैं। उनमें आम इंसानों की सभी भावनाएं और पूर्वाग्रह हो सकते हैं। ये बात बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति को लेकर जारी बहस पर संविधान सभा में कही थी। यानी बाबा साहेब ने कहा था कि जजों में भी आम इंसानों की तरह सारी बुराइयां हो सकती हैं, क्योंकि आखिरकार वो भी तो इंसान ही हैं। बाबा साहेब की इस बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज ने रिटायर होते वक्त अपनी फेयरवेल पार्टी में कह दिया कि मैं तो आरएसएस वाला हूं और अब वापस लौटकर आरएसएस में जा रहा हूं। हाई कोर्ट के जज ने ऐसा कहा तो फिर सवाल उठा कि उन्होंने जज रहते हुए कैसा न्याय किया होगा। हम बात कर रहे हैं कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस चितरंजन दास की। सोमवार को जस्टिस चितरंजन दास रिटायर हो गए। उनकी फेयरवेल पार्टी में उनके काम को याद किया गया और जब जस्टिस चितरंजन दास ने अपनी फेयरवेल पार्टी की स्पीच दी तो उन्होंने आरएसएस से जुड़े होने की बात को सबके सामने बता दिया। आई ओ ए लॉट टू एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ए मर्सिनरी ऑर्गेनाइजेशन। आई एम देयर इन माय फ्रॉम माय चाइल्डहुड till I attend you and throughout my youth. I have learned to be courageous, upright, have a samadrushti, equal view for others, and above all, the sense of patriotism and commitment to the work wherever he works, that is the organization. And to the distaste of some of the persons, I must admit here that I was and I am a member of the Rashtriya Swayamsevak Sangha. I had distanced myself from the organization till about 37 years because of the work I undertook. I have never used my membership to the organization for any advancement of my career because that is against the principle of the organization. I have treated everybody at par, be he rich, be he poor, be he a communist, be he a BJP person, be he Congress, be he TMC. All are equal before me. And from my conduct, you must have seen, I do not have any bias for anybody or any bias for any particular political philosophy or particular political mechanisms. All are equal before me. And I tried to dispense justice on two principles. One is empathy. Second is the law can be bent to do justice, but justice cannot be bent to suit the law. These two principles I always applied in my life. And I might have done wrong, I might have done right, but I am ready now to go back to the organization if they call me for any assistance or for any work they need, I am capable of doing. Because I have not done anything wrong in my life, I had the courage to say that I belong to the organization because that is also not wrong. If I am a good person, I cannot belong to a bad organization. जस्टिस दास ने कहा कि आरएसएस से जुड़े होने के बावजूद उन्होंने पद पर रहते हुए किसी भी तरह का पक्षपातपूर्ण फैसला नहीं किया, लेकिन क्या इस बात पर यकीन किया जा सकता है? ओडिशा के रहने वाले जस्टिस दास ने 1986 में एक वकील से अपने करियर की शुरुआत की थी।
1999 में उन्होंने ओडिशा जुडिशियल सर्विसेज में प्रवेश किया और राज्य के विभिन्न हिस्सों में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में काम किया। फिर उन्हें ओडिशा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में अपॉइंट किया गया। जस्टिस दास ट्रांसफर पर ओडिशा हाईकोर्ट से कलकत्ता हाईकोर्ट आए थे। 10 अक्टूबर 2009 को उन्हें ओडिशा हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में पदोन्नत किया गया और 20 जून 2022 को कलकत्ता हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अब 20 मई को वो कलकत्ता हाईकोर्ट से रिटायर हो गए, लेकिन रिटायरमेंट में उनके आरएसएस पर भाषण ने कई लोगों को हैरान कर दिया। पिछले दिनों कलकत्ता हाईकोर्ट के ही जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और बीजेपी ने उन्हें चुनाव में भी उतार दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इस तरह से अपनी राजनीतिक विचारधाराओं को खुलेआम दिखाना शुरू कर देंगे, सारे जजेज ऐसा करने लगेंगे, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता का क्या होगा? जनता को कैसे भरोसा होगा कि उन्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा? अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाले चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई को बीजेपी ने राज्यसभा सांसद बना दिया था। उसके बाद से ही जुडिशरी पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं और अब तो खुलेआम कोई जज इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है तो कोई रिटायरमेंट प्लान में आरएसएस ज्वाइन करने की बात कर रहा है। ऐसे में लोगों के दिमाग में शंका तो पैदा होगी कि क्या इन्होंने जज रहते हुए न्याय का पालन किया है। सवाल तो ये भी किया गया कि क्या इन जजों के दिए हुए फैसलों की समीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या ये नहीं देखा जाना चाहिए कि कहीं इन जजों ने अपनी विचारधारा से जुड़े लोगों के मामलों में किसी तरह का पक्षपात तो नहीं किया? न्यायपालिका पर जनता भरोसा करती है और ऐसे में अगर जनता के दिल में कोर्ट की छवि धूमिल होती है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। न्यायपालिका में SC ST OBC जजों का ना होना और कॉलेजियम के जरिए भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिए जाने के आरोपों से पहले ही न्याय तंत्र की छवि खराब हुई है। सैकड़ों हजारों लाखों के स्पेंडिंग है, जजों पर तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में इस तरह के बयान सामने आने के बाद जनता के दिल में सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर न्यायपालिका में क्या हो रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।